खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। इस वक्त में हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील के तारुफ पर गौर करेंगे। यूहन्ना की अंजील मत्ती की अंजील की तरह शुरू नहीं होती, जिसमें मसीह को इब्ने दाऊद और यहूदियों के बादशाह के तौर पर पेश किया गया है, ना ही ये लूका की अंजील की तरह शुरू होती है जिसमें मसीह का नसबनामा आदम तक खींचा गया है। यूहन्ना ने अपनी अंजील में इस बात की अहमियत को उभारा कि यीशु इंसानी तारीख की इब्तदा से पेशतर मौजूद था। वो खुदा बाप के साथ था, बल्कि खुद ही खुदा था। यीशु वो कलाम है जो हमेशा से कायम है और अबदी और मुजस्सम हुआ है। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और पहली आयत बयान करती है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यूहन्ना की अंजील मोहब्बत की अंजील है। यूहन्ना की अंजील के तीसरे बाब की 16वीं आयत इस बात को बयान करती है और यूहन्ना की अंजील में मसीह यीशु को ना सिर्फ बतौर खुदा बल्कि बतौर जिंदगी की हकीकी रोटी पेश किया गया है जो हर भूखी रूह को हमेशा के लिए आसूदगी बख्शती है। यूहन्ना की अंजील ये बयान करती है कि यीशु ना सिर्फ खुदा की मोहब्बत की राह दिखाता है बल्कि वो राह हक और जिंदगी है। मसीह फजल और सच्चाई से मामूर है। फजल से इसलिए कि इंसान को निजात दिला सके और सच्चाई से इसलिए कि खुदा को जाहिर कर सके। इसके अलावा यीशु दुनिया का नूर है जो गुनाह की तारीकी को मिटाता है। खुदावन यीशु वो कयामत है जो मौत पर गालिब आकर अबदी जिंदगी बख्शती है। वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। यूहन्ना की अंजील इसलिए लिखी गई थी कि सुनने और पढ़ने वाले ईमान लाएं कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और वो ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाएं। यूहन्ना की अंजील 20 बाब और 31वीं आयत इस बात को बयान करती है। यूहन्ना ही की अंजील में ये बात बयान होती है कि यीशु मसीह ने ये कहा कि खुदावंद मैं हूँ, मैं अबदी हूँ। और यूहन्ना की अंजील हमारे खुदावंद यीशु की सिर्फ एक तमसील ही बयान नहीं करती बल्कि इसके अलावा इसमें हमें बहुत से मौजज़ात का भी जिक्र मिलता है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के पहले मौजज़े का जो पानी को मैं तब्दील करने और खुदावंद यीशु का बादशाह के बेटे को शिफा देना, खुदावंद यीशु का 38 साल से बीमार शख्स को शिफा देना, खुदावंद यीशु का 5,000 को खाना खिलाना, झील की सतह पर चलना, यीशु का एक पैदाइशी अंधे को आंखें देना और लाजर 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करना, इन सब बातों का जिक्र भी हमें इस अंजील में मिलता है। और ये अंजील ना सिर्फ तमासील से मसीह यीशु की तालीमात से और मौजज़ात से भरी है बल्कि सबसे बढ़कर इस अंजील में खुदावन यीशु मसीह के सलीब पर जान देने, मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने और अपने शागिर्दों पर जाहिर होने, इन तमाम बातों का जिक्र भी हमें इस अंजील में मिलता है। खुदावन हमें ये तौफीक बख्शे कि हम इस अंजील का मुताला करने वाले और इसमें मौजूद खुदावन यीशु मसीह की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में मानने वाले हों। खुदावन आपको बरकत बख्शे। आमीन। कलाम मुकद्दस को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलें और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 4वें और 5वें अबवाब का मुताला आप अपने लिए करें। इस वक्त में हम यूहन्ना की अंजील के 4वें बाब की 14वीं आयत पर गौर करते हुए
इसमें से अपने लिए रूहानी ख्याल को हासिल करेंगे। पाकलाम में लिखा है, मगर जो कोई इस पानी को पिएगा जो मैं उसको दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसको दूंगा वो चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। सामरिया पहुंचकर यसु के शागिर्द उसे याकूब के कुएं पर जरा आराम करने को छोड़कर खुद शहर से खाना खरीदने चले गए। वापसी पर उन्होंने यसु को एक सामरी औरत से गुफ्तगू करते पाया। यसु उसको अपनी जिंदगी के मुतालिक समझा रहे थे, जो कि दौलत से खरीदी नहीं जा सकती बल्कि सिर्फ खुदावंद ही बख सकता है। वो औरत खुदावंद यसु के कलाम पर ईमान लाई और फौरन दूसरों को बताने चली गई कि उसने कलाम में पाए जाने वाले वादों के मुताबिक मसीह को पा लिया है। यसु मसीह का सामरिया में मौजजात करने का कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उस औरत ने मसीह की बाबत, जो कि जिंदा कलाम है, जो गवाही दी, उसके बायस बहुत से सामरी खुदावंद यसु पर ईमान लाए। सामरी औरत की मिसाल हमें याद दिलाती है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी के लिए तरस रहे हैं, मगर हमारी फितरत है कि हम अपनी ही जरूरियात पूरी करने में और उनको हासिल करने की फिक्र में मगन होकर दूसरों की रूहानी जरूरियात को नज़रअंदाज करते हैं। बहुत मर्तबा यूं भी होता है कि जो लोग बज़ाहिर मसीह को कबूल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते, असल में वही लोग यसु को कबूल करने में पहल करते हैं और खुदावंद भी उन्हें बाखुशी कबूल करता है। यूहन्ना की इंजील 6 और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, यसु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। इस मुताला में जो खास सबक हमारे सीखने के लिए है वो ये कि खुदा उन आम ईमानदारों के वसीले से ज्यादा काम करता है जो कि दूसरों को यसु के बारे में बताने के लिए आरजूमंद और हमेशा तैयार हो। खुदावंद ये तौफीक हमें भी बख्शे कि हम आम ईमानदारों को, जो खुदावंद के बारे में जानते हैं लेकिन ज्यादा नहीं जानते, हम उन्हें खुदावंद के पास लाएं, हम उन्हें कलाम पढ़ने की तरगीब दें, हम उन्हें खुदावंद के साथ वक्त गुजारने के बारे में बताएं, ताकि ऐसा करने से वो और हम भी खुदावंद से बरकत पाएं। आमीन। कलाम मुकद्दस को अपनी रहनुमाई और हदायत के लिए खोलें और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 6 से लेकर उसके 8 अबवाब तक का मुताला आप अपने लिए करें। इन अबवाब में यसु का शागिर्दों के रूबरू पानी पर चलना, 5,000 को खाना खिलाना और मसीह यसु का दुनिया का नूर होने का दावा करना, इन बातों का जिक्र हमें इन अबवाब में मिलता है। लेकिन खसूसियत से इस वक्त में हम यूहन्ना की अंजील के 8 की 12 आयत पर गौर करेंगे। पाकलाम में लिखा है, मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। बेदीन दुनिया ने गुनाह की तारीकी पसंद की, क्योंकि इन बे ईमानों की अकलों को इस जहान के खुदा यानी शैतान ने अंधा कर दिया है। लेकिन वो जिन्होंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, वो रूहानी मौत से बचकर अबदी जिंदगी में आ गए। अब उन्हें तारीकी पसंद नहीं बल्कि अब उस नूर के ख्वाह हैं जिसके मुतालिक कलाम पाक सफाई से बयान करता है। मसीहों के लिए खुदा का कलाम कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, लेकिन सच्ची बसीरत पाने के लिए सिर्फ ये मान लेना कि यसु दुनिया का नूर है या ये कि किताब मुकद्दस खुदा का इल्हामी कलाम है, यही काफी नहीं। हर मसीही को किताब मुकद्दस पढ़ने
दुआ करने और रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी का रहनुमा बनाने ही से असल बसीरत मिलती है। ऐन मुमकिन है कि हम किताब मुकदस की कोई सतर बार बार पढ़ने के बावजूद उसे समझ ना सकें, मगर फिर एक बार पढ़ने से अचानक नई रोशनी पाएं जो कि हमारी ज़िंदगी को मामूर कर दे। नविश्तों से नई बसीरत हासिल करने का राज ये है कि हम उस रोशनी के मुआफिक चलें जो रूहुल कुछ हमें पहले ही बख्श चुका है। यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। इस मुताला में जो खास सबक हमारे सीखने के लिए है वो ये कि जब हमारा दिल यीशु के नूर से मुनव्वर हो जाता है तो हमारी जिंदगी बहुत से दूसरे लोगों के लिए भलाई और रहनुमाई का वसीला बन जाती है। खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम दुनिया के नूर यीशु की पैरवी करें ताकि अंधेरा हमारी जिंदगी और हमारे वसीला से, हमारे खानदान और इस दुनिया में से यीशु के नूर के वसीला से ख़त्म हो और हम भी इस दुनिया में चिराग की माने ठहरें। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। कलाम मुकद्दस को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलें और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 9वें और 10वें अबवाब का मुताला आप अपने लिए करें। इन अबवाब में पैदाइशी अंधे को शिफा देना, यीशु अच्छा चरवाहा, इन बातों का जिक्र हमें इन अबवाब में मिलता है। लेकिन इस वक्त में हम यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 11वीं आयत पर गौर करेंगे। पाकलाम में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आमीन। हमारा खुदावन यीशु जो भेड़ों का चरवाहा है, साथ ही खुदा का बर्रा भी है, जिसने अपनी भेड़ों की खातिर अपनी जान कुर्बान की, यानी हर उस इंसान के लिए जिसने उसे अपना मुनजी कबूल किया। मसीह ने अपने आप को इखलाक की मिसाल के तौर पर कुर्बान नहीं किया था, बल्कि उसने सलीब पर इसलिए जान दी कि हम उसके वसीले से एक नई फितरत पा सकें, जिसे उसने भेड़ों की निस्बत से तशबीह दी है। भेड़ बहुत ही सादा और शरीफ जानवर है, कोई दूसरा जानवर इतना सादा नहीं होता। मसीहों की फितरत भी ऐसी ही होनी चाहिए, उनकी जिंदगी मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर और रहम और मोहब्बत जैसे फलों से लदी हुई होनी चाहिए। भेड़ बेजर जानवर है, ये जानवर कभी किसी पर हमला नहीं करता, ये किसी को काटता नहीं, छोटे बच्चे तक बेखौफ खतर उसके पास जा सकते हैं। इस तरह खुदा के फर्जंदों को भी बेजरर और फायदामंद होना चाहिए। लेकिन भेड़ों की एक कमजोरी है कि वो भटक जाती हैं, वो उनकी चरगाह के गिर्द बाड़ लगा हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जगह तलाश करके एक दूसरे की पैरवी करते हुए बाहर निकल जाती हैं और कोई ख्याल नहीं करती कि किधर जा रही हैं। बहुतों की आदत है कि वो खुदा की पैरवी करने की बजाय भेड़ चाल में लग जाते हैं। अगर हम अपने चरवाहे की पैरवी करना चाहते हैं तो जरूरी है कि उसकी फरमाबरदारी करने की नीयत से उसका जिंदगी बख्श कलाम रोजाना पढ़ें। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। इस मुताला में जो खास सबक हमारे सीखने के लिए है वो ये कि अगर हम दुनिया के खतरों से महफूज रहना चाहते हैं तो हमें भेड़ों की मानिंद अपने अच्छे चरवाहे यीशु मसीह के बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि यीशु की कुर्बत ही हमारी कुवत है।
खुदावंद हमें इस कलाम की वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई और हदायत के लिए यूहन्ना की इंजील के 11वें और 12वें अबवाब का मुताला आप अपने लिए करें। इन अबवाब में मसीह का लाजर को मुर्दों में से ज़िंदा करना, मरियम का यसु के पांव पर इत्र डालना, मसीह का यरूशलेम में शाहाना दाखला, इन अहम बातों का जिक्र हमें इन अबवाब में मिलता है। लेकिन इस वक्त में हम यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत पर गौर करते हुए अपने लिए इसमें से रूहानी ख्याल को हासिल करेंगे। पाकलाम में लिखा है, यसु ने कहा, कयामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो, आमीन। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, उसकी लाश कब्र में पड़ी सड़ रही थी, जब मसीह ने उससे कहा, ए लाजर बाहर आ। लाजर ने खुदावंद की आवाज सुनी और फौरन हुक्म की तामील की और कब्र से बाहर आ गया। जिस्मानी मौत उन लोगों की मौत की तशबीह है जिन्होंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। वो सब लोग कसूरों और गुनाहों के सबब रूहानी तौर पर मुर्दा हैं और खुदा से बिल्कुल वैसे ही जुदा और दूर हैं जैसे लाजर मरकर और दफन होकर जिंदा लोगों से दूर और जुदा था। हमें अपनी जिंदगी सिर्फ मसीह यसु के वसीले से मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ वही मौत पर फतह पाकर जिंदा हुआ। चुनाचे हर मसीही रूहानी एतबार से यसु मसीह की कुदरत से मामूर है और शैतान उस पर कभी भी फौकियत हासिल नहीं कर सकता। और यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 24वीं आयत से 29वीं आयत में लिखा है कि वो दिन आने वाला है जब जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, तब मसीही अब्दी जिंदगी पाएंगे और बेइतकाद अब्दी अजाब में जलेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और 24वीं आयत बयान करती है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है, आमीन। इस मुताला में जो खास सब हमारे सीखने के लिए है वो ये कि जमीन की मुक्त से जिंदगी दरअसल हर इंसान को अपनी अब्दियत बसर करने का फैसला करने के लिए दी गई है। यहाँ तो वो खुदा प्रस्ती के वसीले हमेशा हमेशा के लिए खुदा के हजूर खुशो खुरम रहेगा या वो खुद प्रस्ती की वजह से हमेशा जलने वाली आग में जलता रहेगा, फैसला हमारे हाथ में है। खुदावंद हमें इस जिंदगी में कलाम मुकद्दस को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलें और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के पहले दूसरे और तीसरे अबवाब का मुताला आप अपने लिए करें। इन अबवाब में मसीह की अलूहियत, यसु के खुदा का बर्रा होने का ऐलान करना, काना गलील में यसु का पहला मोजज़ा, यसु का हैकल को पाक साफ करना, यसु का निकोदीमस को नई पैदाइश के तजुर्बा के बारे में सिखाना, इन अहम बातों का जिक्र हमें इन अबवाब में मिलता है। लेकिन इस वक्त में हम यूहन्ना की इंजील के 3रे बाब की 14वीं और 15वीं आयत को अपने लिए पढ़ेंगे और इसमें से रूहानी ख्याल को हासिल करेंगे। पाकलाम में लिखा है, और जिस तरह मूसा ने साम को बयाबान में ऊंचे पर चढ़ाया उसी तरह जरूरी है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए, आमीन। बियाबान में भटकने के दौरान बनी इसराइल खुदा और मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए। इस इनहिराफ के बायस खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे और बहुत से इसराइली मर गए।
जब उन लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की तो मूसा ने उनके लिए दुआ की। इस दुआ के जवाब में खुदा ने मूसा को पीतल का एक सांप बनाकर बलि पर लटकाने का हुक्म दिया और कहा, जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करे वो जीता बचेगा। चाहे कोई शख्सी गुनाह से कितनी ही मर्तबा क्यों ना डसा गया हो, यहां जहर का असर खा कितना ही क्यों ना बढ़ चुका हो, अगर वो शख्स सिर्फ एक नजर लटके सांप पर डालता तो यकीनन जीता बच सकता था। ये जलाने वाले सांप दरअसल उस कदीमी सांप इब्लीस की शर अंगेज और मोहलक फितरत की अलामत है, जिसने बागे अदन में आदम और हवा को बहका कर पूरी नस्ल इंसानी के दिलो दिमाग को गुनाह के जहर से आलूदा कर दिया था। पीतल का सांप गुनाह पर खुदा की अदालत की अलामत था। खुदा का बेटा मसीह इस दुनिया में गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में जाहिर हुआ। रोमियो का खत और उसका 8:30 इसके बारे में बयान करती है, और वो स्लीप पर चढ़ाया गया ताकि गुनाहगारों की सजा अपने ऊपर ले ले। खुदावन ने उसको यानी मसीह यसु को हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी मुफ्त पा सकें। जिस तरह डसे हुए इसराइली सिर्फ ईमान की एक नजर से शिफा पा जाते थे, उसी तरह आज ये गुनाहगार इंसान भी पूरे दिल से मसीह पर ईमान लाकर निजात पा सकते हैं। का उसने कितने ही गुनाह क्यों ना किए हों या गुनाह की दलदल में वो कितना ही धंस चुका हो, खुदावन का वादा उसके लिए अटल है। यूहन्ना की इंजील उसका 3:18 और उसकी 18 में लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। इस मुताला में जो खास सबक हमारे सीखने के लिए है वो ये कि मसीह की सलीब निजात के लिए पूरी दुनिया की उम्मीद है, क्योंकि वहीं पर खुदा ने अपने अदल और रहम को बयक वक्त पूरा किया है। खुदावन हमें इस ख्याल के वसीला से बरकत दे और हमें ये तौफीक अता करे कि हम मसीह की सलीब जो पूरी दुनिया के लिए एक वाहद उम्मीद है उसके पास खुद भी आए और अपने किरदार अपनी गुफ्तगू से दूसरों को उसके करीब लाने का सबब बने। आमीन। पाकलाम को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलें और यूहन्ना रसूल की अंजील के 13 से उसके 16 अबवाब तक का मुताला अपने लिए करें। इन अबवाब में यसु का अपने शागिर्दों के पांव धोना, ईमानदारों को एक दूसरे से मसीह जैसी मोहब्बत रखने का हुक्म, यसु का अपनी मौत और दोबारा जी उठने की पेशेनगुई करना, अंगूर की बेल और उसकी शाखों की तमसील, रोहुल कुछ के आने का वादा, इन बातों का जिक्र हमें इन अबवाब में मिलता है। लेकिन इस वक्त में हम यूहन्ना की इंजील के 15 की 15 पर गौर करेंगे। पाकलाम में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझमें कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। अंगूर के दरख्त का तना खुद नहीं फलता, बल्कि उसका मकसद तो डालियों को सहारा देना और खुराक मुहैया करना होता है, ताकि डालियां फल को सहारा देकर थामे रहें। और शाखों की मिसाल से हमारे खुदावन ने ईमानदारों के साथ अपने करीबी रिश्ते को अंगूर के दरख्त और उसकी डालियों से तशबीह दी है। अंगूर की शाख अगर तने में कायम ना रहे तो फल नहीं ला सकती। इसी तरह कोई मसीही भी रूहानी तौर पर फल नहीं ला सकता जब तक वो खुदावन में कायम ना रहे। बेशक मसीही वो कुदरत रखता है जो हमें फल लाने के काबिल बनाती है। अगर हम अपने आप को मसीह से जुदा कर लें तो फिर हम खुदावन के लिए हरगिज फल नहीं ला सकते।
बहुत से मसीही अपनी रूहानी नाकामी का असल सबब नहीं पहचान पाते। जिस तरह डालियों की कांट छांट जरूरी है ताकि वो अच्छा फल लाएं, इसी तरह मसीहों की भी रूहानी तौर पर कांट छांट के लिए उन सब चीज़ों का निकालना बहुत ज़रूरी है जो खुदावंद की कामयाब और मौसर खिदमत के खिलाफ ईमानदार की राह में रुकावट बनती हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। आमीन। इस मुताला में जो खास सब हमारे सीखने के लिए है वो ये कि हमें कभी भी शेखी से ये नहीं कहना चाहिए कि देखो मैं कितनी कामयाब और बड़ी खिदमत कर रहा हूं, बल्कि हमेशा याद रखना चाहिए कि सब अच्छे फलों की जड़ मसीह है। हम तो सिर्फ उसकी डालियों में से एक हैं जो सिर्फ एक रूहानी फल को थामे हुए हैं। खुदावंद हमें शेखी के गुनाह से बचाए। आमीन। कलामे मुकद्दस को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलें और यूहन्ना की अंजील के 17वें और 18वें अबवाब का मुताला आप अपने लिए करें। इन अबवाब में यसु की शिफात की दुआ, यहूदा अस्करियुती की गद्दारी और मसीह का पकड़वाया जाना, पत्रस का 3 बार मसीह का मुनकर होना, इन अहम बातों का जिक्र हमें इन अबवाब में मिलता है। लेकिन इस वक्त में हम 18वें बाब की 17वीं आयत पर गौर करते हुए इस आयत में से अपने लिए रूहानी ख्याल को हासिल करेंगे। पाकलाम में लिखा है, उस लौंडी ने जो दरबान थी पत्रस से कहा, क्या तू भी उस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। आमीन। पत्रस यसु के लिए बहुत फिक्रमंद था, मगर वो ये नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वो यसु के शागिर्दों में से है। मसीह की अदालत में पेशी के वक्त वो दूर ही दूर से मसीह के पीछे गया। पत्रस भूल गया था कि खुदावन ने खबरदार किया था कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। उसने दुआ करने की अहमियत को ना पहचाना। पत्रस को अपने ऊपर बड़ा घुमंड था कि वो बाकी सब मसीह से मुनकर हो जाएं, मगर वो खुद कभी भी खुदावन यसु को मायूस ना करेगा। लेकिन अदालत में यसु के बारे फैसले का इंतजार करते हुए पत्रस 3 मरतबा खुदावन यसु का मुनकर हुआ। ना सिर्फ उसने झूठ बोला बल्कि लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि वो यसु का शागिर्द नहीं, वो लानत करने और कसम खाने लगा। मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब में और उसकी 74वीं आयत में हमें इस बात का जिक्र मिलता है। अगर पत्रस को सरदार काहिन के सामने तलब किया जाता और उससे यसु के बारे में सवाल किए जाते तो यकीनन वो सच बोलता और वफादार रहता, लेकिन वो बेध्यानी में चूक गया। इससे पहले कि पत्रस जानता कि वो आजमाइश में पड़ा था, उसकी आजमाइश हो चुकी। लौंडी के सवाल ने उसकी कमजोरी जाहिर कर दी, जो ये थी कि उसको अपनी कुव्वत, वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी पर जो घुमंड था वो बिल्कुल गलत था। पत्रस की तरह हम भी आजमाइश का मुकाबला करने में अक्सर अपनी सलाहियतों पर जरूरत से ज्यादा एतमाद करते हैं। हमें जल्दबाजी में ये हरगिज नहीं समझना चाहिए कि हम अपने खुदावंद को कभी मायूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी खबरदार किया गया है कि जो अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। अगर किसी ने अपने ईमान को मुस्तैद समझने के बावजूद बुरी सोहबत या अचानक किसी गैर मतवक सूरत हाल में पढ़कर खुदावंद को मायूस किया हो, तो उसको पत्रस की मिसाल से तसल्ली हासिल करनी चाहिए। पत्रस का दूसरा खात उसका 3रा बाब और 17वीं आयत में लिखा है, बस ए अजीजो, चूंकि तुम पहले से आगाह हो इसीलिए होशियार रहो ताकि बेदिनों की गुमराही की तरफ खिंच कर अपनी मजबूती को ना छोड़ो। आज के मुताला में जो खास सबक हमारे सीखने के लिए है वो ये कि हमें माजी की नाकामियों से
दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद हर उस शख्स को इस्तेमाल कर सकता और करता भी है जो उसकी खिदमत करने का ख्वाहिशमंद होता है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। कलाम मुकद्दस को अपनी रहनुमाई और हदायत के लिए खोलें और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 19वें बाब से लेकर उसके 21वें अबवाब तक का मुताला आप अपने लिए करें। इन अबवाब में मसीह का मसलूब किया जाना, मसीह का दफनाया जाना और मुर्दों में से जी उठना और जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर होना, इन बातों का जिक्र हमें इन अबवाब में खसूसियत से मिलता है। लेकिन रूहानी ख्याल को हासिल करने के लिए हम यूहन्ना की इंजील के 21वें बाब की 15वीं आयत पर गौर करेंगे। पाकलाम में लिखा है, यसु ने शमाउन पत्रस से कहा, ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इन सब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हां खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने कहा, तू मेरे बर्रे चरा। आमीन। पत्रस ने बड़े एतमाद से कहा था, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। पत्रस को यकीन था कि वो सब रसूलों से बढ़कर मसीह से वफादारी और मोहब्बत रखता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पत्रस अपने खुदावन से ना सिर्फ एक बार बल्कि 3 बार मुनकर हुआ। अपने जी उठने के बाद मसीह ने पत्रस पर इंसानी कुवत का नाकसपन और खुद एतमादी की नाअहलियत और फिरोतनी की अहमियत सब एक ही सवाल में जाहिर कर दी कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है, यानी क्या तू बाकी रसूलों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है। 3 बार पत्रस खुदावंद यसु से मुनकर हुआ था और 3 ही बार खुदावंद यसु ने पत्रस से पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है। पत्रस पर यसु मसीह ने कोई फतवा ना दिया ना उसकी ऐब जोई की, मगर पत्रस जान गया कि उसने खुदावंद को मायूस किया था और वो खुद भी दिलगीर हुआ। अगर हम भी मसीह से वफादारी पर घुमंड करने लगते हैं और अपनी रूहानियत को दूसरों की रूहानियत से बेहतर समझने लगते हैं, तो हमें भी पत्रस की तरह इंसानी सलाहियतों के नुक्स यानी गुनाह को पहचान लेना चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। सिर्फ अपनी कमजोरियां पहचानने ही से हम बासलाहियत बनते हैं, क्योंकि हमारी कमजोरियों में मसीह की कुदरत कामिल होती है। यूहन्ना का पहला आमखत उसका 2 बाब और 5वीं आयत में लिखा है, हां जो कोई इस कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। आमीन। इस मुताला में जो खास सबक हमारे जानने के लिए और सीखने के लिए है वो ये कि जब हम खुदावंद के सामने अपनी कमजोरी और बेबसी का इकरार कर लेते हैं, तो फिर वो अपनी कुदरत और रहमत से हमारी मुश्किलात दूर कर देता है। खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम अपनी कमजोरी और बेबसी का इकरार उसके हजूर में करें, ताकि वो हमें उनसे छुटकारा अता करे। आमीन।